बिल्कुल मत करो डिस्टर्ब। ठीक है, क्या रहेगा प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की? फिर से शुरू कर रहे हैं। आज रोजगार दिवस है, महीने में एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। रोजगार के लिए हम तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। एक, शासकीय नौकरियों में रोजगार, तो नवंबर के महीने में ही लगभग 40,000 सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन इत्यादि निकल जाएंगे, प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। साल भर में 1,00,000 तक ये संख्या पहुंचेगी। लेकिन केवल शासकीय नौकरियों में सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, इसलिए शासकीय नौकरियों के अतिरिक्त हमने ये भी तय किया कि स्वरोजगार की जितनी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, अनेकों योजनाएं, उनके तहत हर महीने हम नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। आज पीथमपुर से रोजगार दिवस का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। लगभग 3,00,000 लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन मिलेगा और कई अलग अलग तरह की सब्सिडी जो हमने अलग अलग योजनाओं में दी है उसका लाभ मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश में जो निवेश आ रहा है उसके कारण भी भर्तियां होती है, चाहे वो कारखानों में हो या अन्य संस्थानों में, तो उस कार्यक्रम को भी हमने साथ में जोड़ा है। और इसके साथ साथ एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हर एक ज़िले ने अपने एक एक उत्पाद का चयन किया है, तो आज उसकी भी उसका भी हमारा कार्यक्रम है। तो यहाँ से मैं इंदौर होकर पीथमपुर जा रहा हूँ। सर, इस समय डकैत का बड़ा आतंक है, गुड्डा गुर्जर का बड़ा घोटाला है, लोग बड़े परेशान है। दो दो लाख रुपए की राशि मैंने घोषित कर दिया पीड़ित परिवारों को। जो संबल योजना में आएंगे उनको 4,00,000 की पात्रता है। 2,00,000 रुपया मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से देने का हमने फैसला किया।